नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। ये व्लॉग जो है कल शाम का है। कल शाम को हम गए थे रावण वगैरह देखने के लिए। जलाने का तो हम लोग नहीं देख पाए, 9 बजे करीब, 9:30 तक किए थे। पहले तो ऐसे 8 बजे तक का टाइम रखते थे रावण सबको जलाने का। तो हम लोग बस ऐसे ही देख के आए, जहाँ जहाँ बैठा रखे थे वीडियो वगैरह उन सबका मैंने कुछ बनाया नहीं। और इधर हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने बच्चों को लेके, ये रहे लोली परी दोनों। और थोड़ा बहुत हम लोग आइसक्रीम वगैरह जो है यहाँ खा ले रहे हैं। लोली परी दोनों का अभी नहीं आया है, परी का आ गया था शायद। और यहाँ पर जो है हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद ये आज मॉर्निंग का ब्लॉग है। आज मॉर्निंग को सब्जी वगैरह जो खत्म हो रखा था और रावण लगा रखा था ना बाजार में, तो वहाँ बाजार शायद नहीं लगा या लगा, मुझे नहीं पता। कोई कोई बोल रहे थे लगाए, कोई बोल रहे थे नहीं लगाए। तो सब्जी वगैरह जो है पूरा ख़त्म हो रखा था, प्याज आलू टमाटर वगैरह तो सब लाना था ऐसे। तो इन लोगों को भेज दिया था, पनीर ले आओ, पनीर पुलाओ। कल परसों से हस्बैंड जी बोल रहे थे पनीर बोला था, पनीर कहाँ गायब कर दिए। तो इन लोग जो लाना था वही चीज़ भूल गए और था भी नहीं शायद, हम भी बाद में गए थे। तो यहाँ पर ब्रेड बटर सुबह का नाश्ता हम लोगों का हो रहा है, सैंडविच बनाएंगे थोड़ा थोड़ा। आलू ऐसे कल बॉयल कर रखी थी तो वही मैंने रख दिया था, हम लोगों ने यूज नहीं किया था। तो वही मैं यहाँ पर ब्रेड वगैरह जो है सेक ले रही हूँ और आलू का थोड़ा सा चोखा बना लूँगी प्याज वगैरह डाल के। टमाटर सब डाल दिया करो बोल रहे थे डोली पर, लेकिन टमाटर सब भी नहीं था, तो बस मैंने प्याज का चोखा बनाया था, प्याज और आलू का। वही थोड़ा बहुत ब्रेड सेक के सॉस वगैरह लगा के फिर मैं आलू भर दूँगी। यही थोड़ा बहुत हम लोगों का नाश्ता होगा सबका ही। और यहाँ पर दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। वो दूध जो है इस बार 2 लीटर लेके आए हैं, बड़ा पैकेट, तो वही मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा चाय बनाऊंगी सोच रही थी, लेकिन चाय मत बनाओ, कोई नहीं सॉस के साथ ही खा लेंगे बोल रहे थे, तो मैंने नहीं बनाया। थोड़ा बहुत पीने का भी मन हो रहा था ऐसे, लेकिन मैंने नहीं किया था। यही सब हम लोग खा लिए थे। थोड़ा सा पहले मैं सॉस लगा ले रही हूँ, फिर उसके बाद जो है जो मैंने चोखा बनाया था आलू का मसाला वही मैं थोड़ा थोड़ा भर दे रही हूँ। और हस्बैंड जी भी अभी कहीं जाने वाले हैं ऐसे। इधर जो है सैंडविच बना लिया था, उसके बाद मैं मीठा वाला ब्रेड भी कर ले रही हूँ। चीनी अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख दिया था, बटर वगैरह थोड़ा डाल के। मीठा वाला ब्रेड इन दोनों को पसंद है, तो एक दो कर देना बोल रहे थे, तो वही मैं कर ले रही हूँ। और अच्छा लग रहा था, क्रंची क्रंची सा। और इधर जो है साथ ही साथ मैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए कर रही हूँ। हम लोग मंडी गए थे ऐसे दिन का कुछ बनाने के लिए, लेके आएंगे कुछ अगर मिलेगा तो करके, लेकिन सब्जी वगैरह हमें मिला नहीं। थोड़ा बहुत हाँ बीन्स अच्छा था तो बीन्स लेके आ गए थे, थोड़ा बहुत धनिया और खीरा और गाजर थोड़ा बहुत लेके आए थे। पनीर पुलाव बनाएंगे तो करके, लेकिन पनीर ही हम लोगों को नहीं मिला। पनीर ऐसे दुकान में ही ख़त्म हो रखा था, शाम को आएगा बता रहे थे। और यहाँ पर डोली परी दोनों से पूछ रही थी थोड़ा बहुत कुछ खाते रहोगे कि भूख लग रही है तो करके, उन दोनों बोल रहे थे नहीं अभी तो भूख नहीं लग रही है, खाना ही खाएँगे या तो रोटी खा लेंगे बाद में बोल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने अंडा को बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ ही मैं इधर चावल भी चढ़ा दे रही हूँ, साथ के साथ तैयार हो जाएगा करके। यहाँ पर अभी जो लाए हैं सब्जी वगैरह उन सबको मैंने नहीं निकाला है। और तो यहाँ पर जो है मैं चावल को अच्छे से देख ले रहे थे, कंकड़ पत्थर वगैरह है कि करके, और अच्छे से मैंने धो लिया है। यहाँ पर मैं चावल भी चढ़ा दे रही हूँ, साथ ही साथ हो जाएगा। फिर थोड़ा सा मैं चटनी बनाऊँगी, चटनी के लिए जो है मैंने साफ कर लिया था ऐसे, धनिया पत्ता वगैरह देख लिया था, लहसुन अदरक वगैरह भी मैंने छील लिया था। और यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है ये सब्जी वगैरह मैं फ्रिज में रख दूँगी जो अभी यूज नहीं होगा, टमाटर प्याज गाजर वगैरह इन सबको रख दो बोल रही थी डोली को। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जी रख दिया है फ्रिज में करने के लिए, और जो यूज होगा वो यहाँ निकाल के छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं चटनी ग्राइंड कर ले रही हूँ, टमाटर और धनिया हरी मिर्च वगैरह डाल दिया था, स्वाद अनुसार नमक वगैरह, बस इसको मैं ग्राइंड करके रख दूँगी साइड में। और इधर जो है साथ ही साथ मैं
अंडा फ्राई करने के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। ऐसे बॉईल हो गया था, जल्दी से हो गया था, ऐसे जल्दी बॉईल हो जाता है। इधर चावल भी तैयार हो गया था, बस अभी जो है अंडा ग्रेवी बनाना है, बस ऐसे रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने अंडा को जो है गरम गरम निकाल के, सही से बॉईल हो गए थे, बीच में से फट गया था, ऐसे चटक गए थे, तो जल्दी से ऐसे ठंडा पानी में डाल दिया था। और ये आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी मैं छील ले रही हूँ। और इसी बीच जो है हस्बैंड जी भी आ गए थे, थोड़ा जल्दी करो भूख लग रही है कर रहे थे, सुबह बस सैंडविच खा के गए थे, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ। और यहाँ पर लहसुन वगैरह मैं निकाल रखी हूँ, छोटे छोटे लहसुन थे तो उन सबको मैंने साफ़ नहीं किया था, ऐसे ही कूट दिया था अदरक के साथ। थोड़ा थोड़ा मैं चीरा लगा दे रही हूँ और यहाँ पर साथ ही साथ मैं इसको जो है फ्राई कर ले रही हूँ। और जो भी छिलका वगैरह है लहसुन प्याज या अंडा का, वो सबको मैं साथ ही साथ साफ़ कर दे रही हूँ यहाँ, नहीं तो गंदा से जो है भर जाता है छिलका सबसे। यहाँ पर जब तक अंडा फ्राई हो रहा है तब तक मैं टमाटर भी काट ले रही हूँ। 3 टमाटर लिया है मीडियम साइज, आलू नहीं था तो मुझे बस थोड़ा टमाटर ज़्यादा मिलाना पड़ रहा है, थोड़ा ग्रेवी भी ज़्यादा करेंगे खाना सबके साथ खाने के लिए। तो यहाँ पर पटपट हो रहा था, थोड़ा डर सा लग रहा था अंडा फ्राई करने में, ऐसे थोड़ा बहुत होता है ये, ध्यान से कर रही थी। तो यहाँ पर ये भी फ्राई हो चुका था, उसके बाद जो है ये लहसुन वगैरह मैं देख ले रही थी, छोटे छोटे लहसुन थे। और अदरक वगैरह, अदरक भी थोड़ा सूख रहा था, ऐसे एक सप्ताह तो पूरा हो गया है लगभग। तो यहाँ मैं प्याज वगैरह भी काट ले रही हूँ और इसको मैं निकाल दे रही हूँ। और हरी मिर्च वगैरह थोड़ा सा ऐड करेंगे, सूखी लाल मिर्च मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ एक बड़ा साइज प्याज लिया है, थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे प्याज हरी मिर्च वगैरह, फिर उसके बाद जो है टमाटर वगैरह ऐड कर देंगे। अनुसार नमक वगैरह, और इसमें थोड़ा सा मैं चिकन मसाला ऐड कर दे रही हूँ। ये देख सकते हैं मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। और सैंडविच का थोड़ा बहुत आलू बच गया था, थोड़ा सा कम से कम 1 या 2 आलू था, उसी का मैंने ऐड कर दिया था। और अंडा को बीच में से मैंने काटा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है साबुत। और ये देख सकते हैं अच्छे से बॉयल आ गया है, तैयार हो गया है। स्वाद अनुसार नमक वगैरह भी लगा दिया था, ठीक है स्वाद अनुसार नमक। तो वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स, खाना जो है मैंने निकाल दिया है हस्बैंड जी के लिए, और साथ ही साथ हम लोग भी खा लेंगे। यहाँ पर धनिया चटनी, खीरा, नमक और थोड़ा सा अंडा का ही चावल रख दिया है।